हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास टेन के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन एन का क्वेश्चन वन एंड टू इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल थैंक्स क्वेश्चन है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए ट्वेंटी मीटर लॉन्ग रोप हुई इज टाइटली स्ट्रेस्ट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल तो मान लिया कि ये भर्टिकल पोल है ठीक है उससे रोप कितना है ट्वेंटी मीटर लॉन्ग है ये ट्वेंटी मीटर लॉन्ग रोप है ये इससे टाइट किया हुआ है पोल ऑफ द्राउंड फाइन द ये ग्राउंड है ये ग्राउंड से हाइट ऑफ द पोल इफ देंगिल मेड बाई द रोप ये रोप है और ग्राउंड से ये कितना बनाता है थर्टी डिग्री एंगल बनाता है ठीक है तो फाइंड करना है इस पोल का हाइट फाइंड करना है तो लिख देंगे लेट ए बी इज अ पोल एंड ए सी इज रोप टाइड विथ पोल ए बी एट ए

ए बी एंड द टच पॉइंट ऑफ रोप टू ग्राउंड ठीक है ये डिस्टेंस है पोल के रूट से टच जिस पॉइंट पर करता है से वो बी सी ये डिस्टेंस है और क्वेश्चन में दिया हुआ है रोप का लेंथ कितना है ट्वेंटी मीटर दिया हुआ है ट्वेंटी मीटर लॉन्ग रोप है तो हमको क्या फाइंड करना है पोल का लेंथ फाइंड करना है माने ए बी हमको फाइंड करना है ठीक है नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रैंगल ए बी सी अब इसमें देखते हैं फॉर एंगल सी दैट इज थर्टी डिग्री ए बी इज परपेंडिकुलर बी सी इजकल टू बेस ए सी इक्वल टू हाइपोटेनियस ये होगा एंगल सी है उसके अपोजिट साइड को क्या कहेंगे परपेंडिकुलर तो ये हो गया मेरा पी ये हो गया बी और ये हो गया एच इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब आगे बढ़ते हैं तो अब लिखेंगे ए बी ए बी बाई ए सी इजकल टू ए बी क्या है मेरा परपेंडिकुलर पी ए सी क्या है एच इजकल टू क्या हो गया साइन थर्टी ये साइन थर्टी है पी बाई एच थर्टी के रेस्पेक्ट में करते हैं ए के एंगल सी एंगल के रेस्पेक्ट में तो ये थर्टी हो गया ए बी मेरा कितना है ए बी ही रहने देंगे इसको ए सी मेरा कितना है ट्वेंटी है तो यहाँ ट्वेंटी डाल देंगे साइन थर्टी कितना होता है वन बाई टू इसका वैल्यू डाल देंगे तो अब इससे क्या हो गया टू ए बी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 20 into 1 equal to 20, तो ठीक है इसलिए हाइट ऑफ पोल इज टेन मीटर आंसर ठीक है इसमें कोई छोटा सा क्वेश्चन है कोई इसमें खास नहीं है सिर्फ देख लेना है कि फिगर को अपने माइंड में सेट कर लेना है जो ये पोल है ये रोप है ये ग्राउंड है यहाँ रस्सी जो रोप है एक ए पर टच करता है ग्राउंड को सी पर टच करता है सी पर थर्टी डिग्री एंगल बनाता है राइट एंगल एंग बी ये राइट एंगल है ठीक है तो उसके हिसाब से ये साइन थर्टी निकल गया साइन थर्टी का वन बाई टू इसका वैल्यू निकल गया ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड टू द टॉप ऑफ ए ट्री मान लिया कि ये एक ट्री है किसी पॉइंट से ये टूट गया ये मान लीजिए इस पॉइंट से ये टूट गया ये ग्राउंड है और यहाँ आकर के ये टच कर दिया ये पूरा ट्री है इस इस पॉइंट से ये ब्रेक कर गया और ये ग्राउंड को टच कर दिया वही कहता सो दैट टॉप ऑफ द ट्री द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थर्टी डिग्री इसमें क्या करता है यहाँ थर्टी डिग्री एंगल बनाता है विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन दी फुट ऑफ दी ट्री ऑफ दी पॉइंट हुएर दॉप टचेज ग्राउंड इज 8 मीटर ये फुट ऑफ़ द ट्री है और जहाँ ये टच करता ग्राउंड पर ये 8 मीटर है डिस्टेंस इसका ठीक है फाइंड हाइट ऑफ द ट्री तो हाइट ऑफ दी ट्री हमको ये फाइंड करना है ये कैसे फाइंड होगा अगर हम इतना डिस्टेंस कर लें फाइंड और इतना डिस्टेंस हम फाइंड कर लें और इस दोनों को ऐड कर दें तो ये इतना तो कॉमन है और ये जो है जितना ये ऊपर का टूटा हुआ है उतना ही डिस्टेंस ये है तो इसलिए हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना है मान लिया कि ये एक्स है ये बी है ए है और ये सी है तो हमको क्या है एक्स ए कितना बराबर होगा ए सी के बराबर होगा जितना पार्ट टूटा उतना ही पार्ट यहाँ लैंड से टच कर गया तो इसलिए अगर हम पूरा इसका लेंथ निकालना चाहेंगे तो ए बी का लेंथ निकाल लेंगे और ए सी का लेंथ निकाल लेंगे दोनों लेंथ को जोड़ देंगे तो एक्स बी ट्री का लेंथ निकल जाएगा Now, let XB is a tree which broke on point A and touched the broken part.

एट ग्राउंड ऑन पॉइंट सी मेकिंग एंगल सी थर्टी डिग्री ये थर्टी डिग्री बना दिया डिस्टेंस बिटवीन रूट ऑफ ट्री एंड टच पॉइंट ऑफ ट्री दैट इज बी सी इजकल टू एट मीटर ये जो रूट है ट्री का वहाँ से जहाँ टच किया उसके डिस्टेंस को आठ मीटर है एट मीटर है, तो बी सी एट मीटर हो गया अब देख लेते हैं इन ट्रैंग ए बी सी राइट एंगल्ड एट एंगल बी पर ये राइट एंगल है ठीक है इसमें क्या देखते हैं ए बी बाई बी सी इक्वल टू पी बाई बी इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री अब इसमें एक चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं फॉर एंगल सी एंगल सी के लिए ए बी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया अपोजिट साइड ऑफ दी एंगल बी सी क्या हो गया ये बेस हो गया ए सी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया ठीक है ए सी परपेंडिकुलर हो गया अपोजिट टू दिए राइट एंगल तो ये हो गया पी ये हो गया बी ये हो गया एच अब देखते हैं ए बी बाई बी सी है ना तो ए बी क्या है पी है बी सी क्या है बी है ये होता है पी बाई बी बराबर टेन ये थर्टी के रेस्पेक्ट में टेन थर्टी हो गया तो ए बी के जगह पर ए बी डाल दिया बी सी कितना है मेरा एट डाल दिया और टेन थर्टी कितना होता है ये होता है वन बाई रूट थ्री ठीक है तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या कर देंगे रूट थ्री ए बी इजकल टू तो एट इंटू वन बराबर एट है ना इसलिए ए बी इजकल टू तो एट बाई रूट थ्री एक निकल गया ए बी निकल गया और फिर अगेन ए सी बाई बी सी इजिकल टू क्या हो गया ए सी क्या है मेरा एच है बी सी क्या है बी है तो बी बाई एच होता है कॉस। तो उसका उल्टा एच बाई बी क्या हो जाएगा सेक थर्टी डिग्री ठीक है अब ए सी का ए सी निकालना है बी सी कितना है मेरा एट है और सेक थर्टी डिग्री कितना होता है सेक थर्टी डिग्री होता है टू बाई रूट थ्री ठीक है अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रूट थ्री ए सी रूट थ्री ए सी इजकल टू एट इंटू टू ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ए सी इजकल टू एट इंटू टू बाई रूट थ्री इजकल टू सिक्सटीन बाई रूट थ्री हो गया ठीक है तो अब जो हाइट है इसका ये कितना है एक्स एक कितने एक के बराबर है ए सी के बराबर है जितना पार्ट टूटा वही पार्ट यहाँ गया इसलिए ये हाइट को क्या हो जाएगा हाइट ऑफ ट्री इजकल टू ए बी प्लस ए सी तो ए बी मेरा कितना निकला था एट बाई रूट थ्री और ए सी कितना निकला सिक्सटीन बाई रूट थ्री इस दोनों को जोड़ देंगे ये रूट थ्री हो गया यहाँ एट हो जाएगा यहाँ सिक्सटीन हो जाएगा तो यहाँ हो गया कितना एट और सिक्सटीन कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर बाई थ्री रूट हो गया इस रूट को हटाएंगे तो रूट थ्री बाई रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर रूट थ्री बाई थ्री रूट थ्री टू थ्री थ्री हो गया ये थ्री और ये ट्वेंटी एट कट गया एट हो गया तो ये बराबर हो गया एट रूट थ्री मीटर ये आंसर हो गया तो हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया हाइट ऑफ द ट्री इज कल टू एट रूट ओवर थ्री मीटर यही आंसर है अगर मेरा ये सेशन पसंद हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे थैंक्स